audio jungle. Audio jungle. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको जस्टिस ली मूवी का जो सुपरमैन वर्सेस फ्लैश का जो रनिंग सीन है, वो किस तरह से मैंने अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में उसे एडिट किया था, तो उसका जो है मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप उसको एडिट कर सकते हैं। बहुत से भाइयों का रिक्वेस्ट था कि मैं काइन मास्टर पर उसको एडिट करके बताऊँ कि किस तरह से हम काइन मास्टर अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर कर सकते हैं। तो फ़ोन में मैंने बहुत बार उसको ट्राई किया है और वो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत से चीज़ जैसे डबल ग्रीन स्क्रीन वीडियो में जब इंपोर्ट कर रहा हूँ तो वो जो है शो नहीं हो रहा है और वीडियो जो है वो हैंग हो रहा है। तो इस वजह से काइन मास्टर में ट्यूटोरियल नहीं बना पाया। तो फिर भी जो है आपको उसमें भी उस काइन मास्टर में और इसमें जो है जो सेम प्रोसेस है, आपको लेयर किस तरह से सेट करना है वो और एनिमेशन किस तरह से देना है वो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस आप जो है काइन मास्टर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको ब्लू स्क्रीन वाले जो है वीडियो आपको लेना होगा। तो वो वीडियो मैंने जो है यूट्यूब पर डाउनलोड कर रखा है, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा ब्लू स्क्रीन वाला, इसको मैंने यूट्यूब में डाउनलोड कर रखा है, तो इसका लिंक है आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा जो है आपको सुपरमैन के जो है सिर्फ सूट नज़र आ रहा है और उसका जो है हेड नहीं है। तो आपको एडिटिंग में सिर्फ यही करना है कि आपका जो हेड है उसमें सेट करना है, और साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड इमेजेस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो उसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मैं बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से जो ये दो इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। पहला ये है और दूसरा ये है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो है बैकग्राउंड वीडियो है वो भी जो है ये भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये वीडियो है तो ये भी आपको काम आएगा। तो किस तरह से सेट करना है वो मैं आपको ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ। ये है और ये दो वीडियो जो है ये आपको भी इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं जैसा मैंने रिसेंटली अपलोड किया है और आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ी देर में जो है मैं इसको इसका लिंक जो है दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो और उसके अलावा दोस्तों आपको जो है कुछ वीडियो अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करना होगा, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कौन कौन से वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है, तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते ही करके कौन कौन से आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले चलो Adobe After Effects जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से माय प्रोजेक्ट में मेरा जो मेरा प्रोजेक्ट ओपन करके आपको जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले अपना प्रोजेक्ट फाइल आपको शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है मेरा प्रोजेक्ट फाइल है और ये तो चलो इंट्रो हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप काइन मास्टर में अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है आपका बैकग्राउंड जो है उसे इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ। तो आप जो है सबसे पहले अपने काइन मास्टर में एम्प्टी लेयर प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में मीडिया ब्राउज़र से जो है पहला अपना बैकग्राउंड ले लीजिए। तो चलिए हम जो है यहाँ से अपना बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो डेस्कटॉप तो ये दो इमेज जो है दो इमेज में आपको ये वाला इमेज जो है सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इस इमेज को जो है अब दोस्तों इसको जो है हम पहले बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके इसको साइड ले जाता हूँ। तो इस इमेज में जो है हमको सिर्फ रोड नहीं आना चाहिए, ये ट्री वाला जो है इस तरह से। तो ये हमारा सेट हो गया है। तो ये हमारा इस तरह से बैकग्राउंड हो गया है। तो आपको काइन मास्टर में भी सेम है, बैकग्राउंड ले लीजिएगा, उसके बाद में ग्रुप के ऑप्शन में जाके जो डबल इक्वल है रहता है वहाँ क्लिक करके आप जो है इमेज को इस तरह जूम करके सेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें जो है अपना वीडियो लेना है, ठीक है। तो वीडियो चलिए इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो वीडियो में हमारा वीडियो जो है तो दोस्तों ये हमारा वीडियो फुटेज है और इसको हम सॉरी यहाँ से इस बैकग्राउंड इमेज के नीचे जो है इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सॉरी ये जो है रहेगा। अब यहाँ से मैं अपना वीडियो फुटेज जो है उसको ट्रिम कर लेता हूँ जहाँ से मुझको चाहिए। तो यहाँ से मैं अपना वीडियो फुटेज को ट्रिम कर लेता हूँ और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको डिलीट कर लेता हूँ और इसको सबसे स्टार्टिंग में ले जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो फुटेज हो गया। इसके बाद में दोस्तों अपना जो ब्लू स्क्रीन वाला जो मैंने वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये उसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको देना है सबसे ऊपर और इसको यहाँ से मैं स्केल कर देता हूँ। तो इसको तो अब जो है दोस्तों इसको क्रोमा की कर लेते हैं। तो सेम है, आप काइन मास्टर में भी क्रोमा के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है मैं सिंपल क्रोमा की कर लेता हूँ। तो एडोबी आफ्टर फ्रेम में इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ किंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में नीचे लाइनर कॉलर की का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ से मैं इसको सॉरी ये नहीं यूजिंग क्रोमा इस ऑप्शन में कर देना है और यहाँ से जो है इसका जो सेटिंग है उसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ। तो ये ठीक है। अब दोस्तों मेरा जो बैकग्राउंड वीडियो है जो मेरा हेड का है तो उसको मुझे करना है इस पर सेट। तो इसको जो है मुझे सेट करना है, थोड़ा रोटेशन कर देते हैं, रोटेशन दे देते हैं। तो इसको मैंने आर क्लिक किया और इसको तो आपको काइन मास्टर में भी जो है इस तरह से अपना जो हेड है उसको सेट कर लीजिए।
और उसके बाद दोस्तों एडोबी आफ्टर इफेक्ट में जैसा यहाँ मैं एक एक फ्रेम क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपको इस तरह चेंज होता नज़र आ रहा है। तो आपको जो है काइन मास्टर में भी आप जैसा वीडियो को आप एक एक फ्रेम जो है आपको करना ये है कि इस इमेज को जो है आपको एनिमेशन देना है। तो यहाँ से जो है आप यहाँ इस इमेज में पी के ऑप्शन पे क्लिक पी कीबोर्ड पे पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पोजीशन आ जाएगा। तो यहाँ आपको स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में एक एक फ्रेम जो है आगे करते हुए आपको जो है यहाँ इसका पोजीशन जो है आपको सेट करना है। तो ये मैं आपको जो है बेसिक बता दे रहा हूँ, आप जो है इसको अपना टाइम फुल टाइम दे के जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको अगर रोटेशन भी इसमें करना है तो यहाँ इस इमेज इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ अपने कीबोर्ड पे आर प्रेस करेंगे और रोटेशन के स्टॉप वॉच पे यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप जो है रोटेशन भी अगर करना चाहें तो रोटेशन भी दे सकते हैं। तो आपका जो पोजीशन और रोटेशन दोनों में जो है आपको स्टॉप वॉच देना है ताकि ये जो है हर फ्रेम का जो है आपको पोजीशन एनिमेशन जो है वो दे सके। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको पूरा जितना भी पहला फ्रेम का जितना भी वीडियो है आपको इस तरह से जो है एनिमेशन दे देना है और उसके बाद में जो है आप अपना जो वीडियो आपने ग्रीन स्क्रीन पे या ब्लू स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया है तो इसको भी ये जो है आप यहाँ से इस लेयर पे क्लिक करके आप अगर काइन मास्टर में भी है तो इसको भी जो है आप क्रोमा की कर सकते हैं। तो इसको चलिए मैं क्रोमा की कर देता हूँ। तो कीन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से की लाइनर, यहाँ से क्रोमा की और यहाँ, तो इस तरह से जो है अपना क्रोमा की हो चुका है। तो चलिए ये आप जो है अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो बेसिक यही है कि पहला जो फ्रेम है आपको पहले बैकग्राउंड लेना है और उसके बाद में अपना जो ग्रीन स्क्रीन आपने जो कैमरा पे शूट किया है उस वीडियो को लेना है, उसके बाद में अपना जो ब्लू स्क्रीन वाला जो वीडियो है उसको लेके यहाँ आपको सुपरमैन के जो बॉडी है जो सूट है उसके ऊपर अपने हेड को सेट करना है और हर फ्रेम के साथ आपको जो है एनिमेशन दे देना है। तो पहला जो वीडियो है वो हो गया। चलिए उसके बाद में अपना ये वीडियो आ रहा है तो चलिए फिलहाल इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो है अपना सेकेंड वीडियो ये चालू हो रहा है, उसके बाद में ये फ्रेम आपको चालू हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको एग्जैक्ट सेम करना है, आपको जो है एक वीडियो जो है वो बनाना है और उस वीडियो को जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है अपना वीडियो फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन वाला वीडियो है तो इस वीडियो को इम्पोर्ट करना है। तो इसको भी जो है हम दोनों लेयर के बीच में जो है इसको दे देना है और हमारा जो सुपरमैन का तो यहाँ से चालू होता है। तो यहाँ से पहले तो चलिए इसको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से हम जो है अपना वीडियो कहाँ से रखना है वो देख लेते हैं। और एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से स्प्लिट लेयर और इसको जो है मैं किया डिलीट और अपना जो वीडियो आएगा वो कहाँ से आएगा देख लेते हैं। तो
तो अपना दूसरा सीन जहाँ से चालू होगा अपने वीडियो को वहाँ से। अब जो है हम यहाँ भी सेम ही करेंगे, इसको जो है अपना स्केल छोटा करके तो ये इसे जो है आप अपने पूरा टाइम दे के जो है अच्छे से कीजिए। मैं आपको जो है ये ट्यूटोरियल थोड़ा फास्ट दे रहा हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम ना लगे और कम टाइम में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। तो इस तरह से यहाँ भी जो है आपको आपको पूरा जो फ्रेम है आपका एक एक फ्रेम में जो है आपको आपका हेड का जो है एनिमेशन देना है। तो इसमें इस सीन में ज़्यादा आपको एनिमेशन कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ भी जो है आप अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से आप जो है पी पे प्रेस करके यहाँ पोजीशन में आप की फ्रेम दे दीजिए और उसके बाद में स्टॉप वॉच जो है वहाँ पर एनिमेशन दे दीजिए और उसके बाद में रोटेशन में भी दे दीजिए, क्योंकि पोजीशन और रोटेशन जो है वो ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ आप जो है यहाँ स्टॉप वॉच पे की फ्रेम दे के यहाँ से जो है आप अपना हर फ्रेम में आपको जो है सेट कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में भी जो है आप इफेक्ट में जाके यहाँ से आप स्कीन का ऑप्शन आएगा और यहाँ से जो है लाइनर कलर की यहाँ से यहाँ यूजिंग यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो यूजिंग क्रोमा की में आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ से जो है सेंटर ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से और ये कुछ ज़्यादा हो गया तो इसको बैक कर देते हैं और एक बार बैक। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीन के। तो यहाँ भी जो है आपका बैकग्राउंड जो है वो सेम रहेगा और उसके बाद में ये पोजीशन आपको आएगा। तो यहाँ जो है यहाँ आपको करना ये है कि यहाँ का जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है हम अपना बैकग्राउंड जो है उसको चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड को यहाँ मैं एडिट में जाके क्लिक कर देता हूँ और इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ और यहाँ जो है हम अब अपना नेक्स्ट बैकग्राउंड जो है वो लेने वाले हैं। तो यहाँ से फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड। तो वहाँ जो बैकग्राउंड वीडियो हमको लेना है वो आई थिंक ये है, ये वीडियो है। तो इसको जो है इस वीडियो को हमें लेना है इस जगह पे। तो इसको मैं यहाँ इस पोजीशन में ले लेता हूँ। तो अब जो है हमारा बैकग्राउंड ये इस तरह आया। तो इसको मैं अगर बंद कर दूँ तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये हमारा जो है बैकग्राउंड वीडियो है जिसमें सुपरमैन जो है वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये इमेज है हमारा बैकग्राउंड वीडियो है ये। अब यहाँ जो है यहाँ भी आपको सेम जो है सेम करना है, आपको एक वीडियो शूट करना है। तो ये वीडियो है। तो इस तरह से आपको जो एक सीन लेना है तो इस वीडियो को जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इस बैकग्राउंड वीडियो के ऊपर और इसको चलो थोड़ा देर के लिए जो है हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ सही पोजीशन में जहाँ से हमको टर्न करना है वो देख लेते हैं, जहाँ से हमको परफेक्ट सीन के हिसाब से जो क्लिप है वो सेट हो।
चलिए इसको मैं कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ डिलीट। और अब जो है इसको मुझे चेंज करना है एंगल, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अब यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा स्केल, और स्केल करेंगे हम छोटा, और उसके बाद में इसको सेम इसी तरह जो है हमको यहाँ सेट करना है। तो यहाँ जो है मेरा छोटा सा मिस्टेक इस वीडियो में मेरा ये हुआ कि अगर आप इस मेरे वीडियो को देखेंगे तो यहाँ जो मेरा शोल्डर है, यहाँ सुपरमैन का शोल्डर अगर देखें तो ये पोजीशन में जो है थोड़ा शोल्डर दिखाई दे रहा है, और मेरे इस वीडियो में जो मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, यानी कि इस तरफ जो है मेरा जो राइट साइड का शोल्डर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को आप देख लीजिएगा सीन को कि किस पोजीशन में जो है कैमरा एंगल है, और उस हिसाब से जो है आप अपने वीडियो को शूट कीजिएगा परफेक्ट। तो यहाँ ये थोड़ा सा जो है मेरा मिस्टेक हो गया, और तो चलिए इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, और बॉडी और हेड जो है उसका साइज सही कर लीजिएगा ताकि लगे कि हाँ एग्जैक्ट है, ठीक है ना, ना छोटा बड़ा ना लगे। और उसके बाद में सेम है, इसमें भी आपको जो है पूरा वीडियो जो है फ्रेम का हिसाब से आपको की फ्रेम देना है, और ये आप देख रहे हैं तो इसमें भी आपको जो है एनिमेशन देना है, और पूरा परफेक्ट तरीके से। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मैं देख लेता हूँ, और इस तरह से जो है आपको भी इस क्लिप पे भी आपको जो है एनिमेशन देना है सही तरीके से। तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम है, आपको एक जनरल नॉलेज जो है मैं बता दे रहा हूँ कि सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, आपको जो है खुद कर लेना है। तो इस क्लिप पे भी आप जो है अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट में है तो पी प्रेस करके पोजीशन, और उसके बाद में आर प्रेस करके जो है रोटेशन में की फ्रेम स्टॉप वॉच करके वहाँ से जो है आप की फ्रेम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है दूसरा सीन जो है ये इसको भी बना लीजिए, ठीक है। तो और आपका जो वीडियो का जो बैकग्राउंड है जो ग्रीन स्क्रीन है उसको भी रिमूव कर लीजिए क्रोमा की से। दोस्तों काइन मास्टर में कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा लेयर यूज़ करते हैं या ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता नहीं है या फिर एरर आता है। तो उसके लिए आपको सोल्यूशन यही बताऊंगा कि आपको क्या करना है, एक एक फ्रेम जैसा पहला का सीन है तो उसको क्रिएट कर लीजिए, उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद में जब सेकेंड टाइम फिर करेंगे तो दूसरा जो फ्रेम है उसको आप बनाइए, उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से जो है छोटा छोटा क्लिप आप बना लीजिए, और उसके बाद में जो है आप एक साथ सबको मिक्स करके एक बार अपना फुल एंड फाइनल एक्सपोर्ट कर सकते हैं।